नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट रैली के बारे में जो कि आई है इंडियन आर्मी में। ये जो रिक्रूटमेंट रैली है ये आयोजित की जाएगी ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में और ये दिल्ली एआरओ के अंडर ये भर्ती हो रही है। तो इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस आईआरओ दिल्ली कैंट के अंतर्गत ये भर्ती हो रही है। आयोजित की जाएगी देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में और ये होगी 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक, जिसके बारे में आज हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों, ये जो भर्ती है ये निकाली है इंडिपेंडेंट रिक्रूटिंग ऑफिस दिल्ली कैंट ने और ये जो रैली भर्ती है ये आयोजित की जाएगी ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में। टाइम है 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई का, उस दौरान ये भर्ती आयोजित की जाएगी और ये वैकेंसी आई है सोल्जर जीडी की, सोल्जर टेक्निकल की, सोल्जर एनए की, एनए वेटनरी की, सोल्जर क्लर्क की, एसकेटी की, आईएम की और सोल्जर ट्रेड्समैन की। इतनी वैकेंसी इसमें आई हुई हैं। बात करें हम कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं, तो दिल्ली पूरी शामिल की गई है, यानी जो दिल्ली के निवासी हैं वो कैंडिडेट, साथ ही फरीदाबाद जिले के निवासी, गुरुग्राम जिले के निवासी, मेवात और पलवल। तो हरियाणा के 4 जिले फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात और पलवल, और दिल्ली राज्य के जितने भी कैंडिडेट हैं 7 जिलों के, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक ये रैली भर्ती होगी ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम हरियाणा में। बात कर लेते हैं आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं www.joinindianarmy.nic.in पर 4 मई से लेकर 16 जून तक। तो आप 4 मई से लेकर 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन करेंगे और 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक होगी आपकी रैली भर्ती। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की और बाकी सब जानकारियों की। तो सोल्जर जीडी के लिए एज है 17.5 से लेकर 21 साल, सोल्जर टेक्निकल के लिए है 17.5 से लेकर 23 साल और बाकी जो हैं जैसे सोल्जर टेक्निकल एविएशन की, उसकी भी 17.5 से लेकर 23 साल एज है। तो बाकी सब के लिए एज जो है वो है 17.5 से लेकर 23 साल, आप देख सकते हैं। वही सोल्जर जीडी के लिए है 17.5 से लेकर 21 साल, यानी आपका जन्म 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2002 के बीच में हुआ होना चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सोल्जर जीडी के लिए। बाकी के लिए 1 अक्टूबर 1996 तक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें हम हाइट की, तो हाइट है 170 सेंटीमीटर सोल्जर जीडी के लिए, टेक्निकल के लिए, और जो कैंडिडेट एसकेटी क्लर्क के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए हाइट है 162 सेंटीमीटर। वजन 50 किलोग्राम है, 48 से 50 केजी के बीच में आपको होना चाहिए। 50 किलोग्राम है जीडी के लिए, 48 है ट्रेड्समैन के लिए, और चेस्ट है 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो। जीडी वालों के लिए 10th पास होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना अनिवार्य है। वहीं जो कैंडिडेट टेक्निकली बनना चाहते हैं उनके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होना अनिवार्य है, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और 40% हो प्रत्येक सब्जेक्ट में। वही जो कैंडिडेट सोल्जर टेक्निकल एविएशन के लिए बनना चाहते हैं उन्होंने 12th पास कर रखी हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ, कम से कम 50% मार्क्स हो, सब्जेक्ट में हो 40%, या फिर तीसरा का डिप्लोमा कर रखा हो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, ऑटोमोबाइल में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। सोल्जर एनए के लिए आप 12th पास हो बायोलॉजी के साथ, वहीं सोल्जर क्लर्क के लिए आपने 12th पास कर रखी हो मैथ के साथ या फिर अकाउंट्स के साथ। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए आप सिंपली 10th पास होनी चाहिए, और जो कैंडिडेट मैस कीपर और हाउसकीपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए हो 8वीं पास। चेस्ट 76 सेंटीमीटर है ट्रेड्समैन के लिए, बाकी सबके लिए 77 सेंटीमीटर। बात कर लेते हैं पीएफटी में क्या होगा। तो 1600 मीटर की रेस होगी, आपको बीम करनी होगी, पुलअप्स करने होंगे, 9 फीट की डिच होगी और जिगजैग बैलेंस होगा, ये सब आपको करने होंगे। साथ ही रैली भर्ती के टाइम पे आपके फिजिकल मेजरमेंट भी होगा और आपका मेडिकल भी आयोजित कराया जाएगा। जो कैंडिडेट मेडिकल फेल होंगे उनके पास विकल्प होगा कि वो रीमेडिकल भी करा सकते हैं। बात करें रिटर्न एग्जाम की, रिटर्न एग्जाम जो होगा वो निर्धारित स्थान पर आयोजित किया जाएगा, जिसके बारे में आपके एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट ग्राउंड फिट पाए जाते हैं, रैली फिट पाए जाएंगे, उनको उसी टाइम एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। वहीं जो कैंडिडेट मेडिकल बाद में जिनका होता है उनको मेडिकल के बाद ही एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। जब आप रैली भर्ती के लिए आएंगे तो आप प्रिंटेड एडमिट कार्ड लेके आएंगे, फोटोग्राफ लेके आएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे और एफिडेविट भी लेके आएंगे। तो ये सब आप लेके आएंगे भर्ती के, जो रैली भर्ती होगी उसके टाइम पे जो भी सर्टिफिकेट हैं आप सब वो लेके आएंगे। तो साथियों आप महत्वपूर्ण दिनांक फिर सुन लीजिए, आप 4 मई से लेकर 16 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं www.joinindianarmy.nic.in पर, और जो आपकी रैली भर्ती होगी वो होगी 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जगह बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।